हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आज की एक यूनिक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस रेसिपी का नाम है तालेर बोड़ा। अब ताल क्या होता है? एक फ्रूट है जिसका ना इसे ताल कहते हैं और हिंदी में शायद इसे ताड़ कहते हैं। तो ये फ्रूट अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, पर हमारे यहाँ पे ताल कहते हैं तो मुझे सिर्फ इसी का ही नाम पता है। और ये हमारे यहाँ पे स्पेशली जन्माष्टमी में बनाया जाता है, कि हमारे यहाँ पे माना जाता है कि कृष्ण भगवान को ये ताल खाना बहुत ही पसंद था। तो उसके वड़े या फिर ताल खीर होती है वो बनाई जाती है। तो उस तरह से ताल का यूज़ होता है जन्माष्टमी पे बहुत सारी चीज़ों में। मैंने जो 56 भोग होते हैं, 56 भोग में से एक भोग ये ताल का भी दिया जाता है। तो यहाँ पे ये है ताल, इसे ताल कहते हैं और हिंदी में ताड़ कहते हैं। तो ये ताल आज बाज़ार में बहुत उठे थे तो मैं एक लेकर आ गई थी। और यहाँ पर ये सबसे पहले इसका ये जो ऊपर का कवर है इसे खोल देना है। ये खोलने के बाद जो ये जो एक एक स्ट्रिप जैसे निकलेगा ऊपर का, इसका जो ये है छिलका है, उसे ऐसे एक एक बार करके ऐसे निकाल देना है। या अगर आप ऊपर से नहीं निकाल सकते तो नीचे की साइड में, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे, जो नीचे की साइड है उस साइड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इस साइड से मैंने ऊपर का छिलका निकाला है तो ये नीचे की साइड है। तो यहाँ पे भी अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो बहुत नरम रहता है वो नीचे की साइड का, तो वो वैसे ही खुल के आ जाएगा पूरा। तो आप इस तरह से भी छिलके उतार सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे छिलके मैंने उतार दिए हैं और इसके अंदर का कलर ऐसा ही ऑरेंज रहता है। पर कभी कभी ऐसा रहता है, आप जब भी ये बनाए ना उससे पहले तो थोड़ा सा चखे देख लीजिएगा। अगर भगवान के लिए बना रहे तो हम चख नहीं सकते, पर ऐसे तो चख ही सकते अगर हम खुद के लिए बना रहे हैं तो, कि क्योंकि चखेंगे क्योंकि कड़वे निकलते हैं कभी कभी। थोड़े कोई ताल होता है वो कड़वा भी निकलता है, थोड़ा सा इसमें कड़वापन रहता है। ऐसे भी जो ये जो ताल है इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन है, वो बैलेंस हो जाता है चीनी वीनी देने से। तो अब ये है, ये तीन बीज निकल गए हैं अच्छे से, तीन ये अलग से हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत इजी एक मेथड है कि आपको छानना भी नहीं पड़ेगा, इसके जो रेशे रेशे हैं वो इतने निकलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से आप ये ताल को मसल सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे इस ताल को पूरा पानी वानी दे के सिर्फ हाथ से ही मसलते हैं, पर हाथ से आपको मसलने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत ईजी वे आपको दिखाती हूँ। ये जो ग्रेटर है, इस ग्रेटर से हम लोग इसे घिस लेंगे तो क्या होगा, जो इसका जो रस है, जो हमें इसका पल्प चाहिए, वो सिर्फ पल्प ही निकल के आएगा और जो इसके रेशे रेशे हैं वो बिल्कुल भी इसमें नहीं आएंगे, वो ऊपर ही रहेंगे, वो पल्प के साथ नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम पानी से इसे मसल मसल के निकालते ना तो वो पल्प के साथ वो रेशे आते हैं, फिर वापस उसे हमें स्ट्रेन करना रहता है, छानना रहता है, तो बहुत झमेला होता है। और ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। ये देखिए कैसे ये पूरा पल्प ऐसे निकल के आ गया। तो ऐसे मैं पहले पूरे तीनों बीज के जो पल्प है वो निकाल लेती हूँ और ये बहुत जल्दी भी हो जाता है, बहुत आसानी से भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा ये जो घिसने वाला है छन्नी जो है वो दूसरी ले ली थी, एक क्योंकि वेद मेरे साथ है, वो बीच बीच में इतना हाथ दे रहा है। मैंने कुछ काम करने जाओ और वो बीच में ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो हमेशा कोई ना कोई इसमें रहता है। बाकी वीडियो में आप देख नहीं पाते हो पर इसमें आप देख पाओगे क्योंकि मैं नीचे बैठ के कर रही हूँ और वो बीच बीच में हाथ दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूरा घिस घिस के पूरा पल्प निकल के आ गया है। और अब ये है एकदम, मैंने एकदम जो बोलते हैं ना एकदम सख्त, एकदम ओरिजिनल जो पल्प होता है वो पूरा निकल के आ गया। और बाकी अब थोड़ा सा है तो उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी से इसे मसल लेंगे। बस ऐसे पानी दे दे के, थोड़ा सा पानी दे दे के ऐसे तीनों बीज जो है उसके, वो तीनों बीज को हमें अच्छे से मसल लेना है। बस ऐसे करके, बस ये ऐसे ऐसे मसल लेना है। और आप देख सकते हैं कि वो पल्प जो जितना है पल्प बाकी था बीजों में वो पूरा ही निकल के आ गया है, ये ऐसे। अब बस यहाँ पे ये काम फिनिश हो गया। और ये जो तीन बीज मैंने रखे हैं ना, ये तीन बीज हमारे यहाँ पे जब लक्ष्मी पूजा होती है ना
तब यूज़ होता है कि दुर्गा पूजा के बाद जब लक्ष्मी पूजा हमारे यहाँ पे होती है तो तब के लिए इसे स्टोर कर दिया जाता है। उस टाइम पे इसका जो बीज के अंदर से जो एक फ्रूट जैसा बादाम जैसा निकलता है तो वो लक्ष्मी माता के भोग में दिया जाता है, इसलिए हम इसे स्टोर करके रख देंगे। और बाकी ये जो पानी वाला पल्प था इसे मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ, तब देख सकते हैं स्ट्रेन करके कितना सा, बस वो जो इतने रेशे रेशे निकले हैं बस वही था, बाकी और जो दूसरा पल्प था उसमें तो कोई रेशे गए नहीं क्योंकि मैंने ऐसे घिस लिया था स्ट्रेनर से। तो बस ये हो गया है रेडी, और अब हम कर लेते हैं वड़े बनाने की तैयारी। तो उसके लिए और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें देनी है वो अब पता लगेगा। पहले मैं इसका जो मिक्सचर है पूरे दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पूरा ताल का जो मिक्सचर है वो पूरा रेडी हो गया है। तो बस ये एकदम पूरा रेडी हो गया है, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और क्या करेंगे अब, मैं ना इतना तो हमें ताल का पल्प नहीं चाहिए वड़े बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसको निकाल के रख देती हूँ खीर बनाने के लिए। वो खीर की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताल खीर कैसे बनाते हैं। तो बस ये से हमने कर लिया है साइड, और अब हम बना लेंगे जो वड़े हैं वो। तो सबसे पहले हमें ऐसे ये दो केले लेने हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पके हुए केले हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा पके हुए नहीं थे, इसे मसलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं एक और एक आपको ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको केले को अच्छे से मैश कर लेना है, मैंने जो ज़्यादा पके हुए केले नहीं उसको अच्छे से अगर मैश कर लेना है तो आपने क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नारियल भी ले लिया था, ग्रेटेड जो कोकोनट है वो भी साइड में रखा है, तो उसी प्लेट में मैं केले को मैश कर दी। तो मैंने क्या किया था, केले में आटा डाल दिया था, थोड़ा आटा लेके अगर केले को आप मैश करते हो ना तो केला एकदम अच्छे से मैश हो जाएगा। थोड़ा मैंने थोड़ा भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें थोड़े थोड़े केले के पीस रह गए हैं या फिर ऐसा, वो सब हमें कुछ नहीं डालना है। तो अब वो केला मैश अच्छे से हो गया है, अब यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 6 टेबल स्पून ऑफ आटा। हमें मैदा बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करना है, आटा यूज़ करना है, फिर मैं बताती हूँ आपको क्यों। आटा यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून आटा दिया था, यहाँ पे मैंने 2 केले ले लिए हैं और साथ में 1/2 कोकोनट। ये जो आप देख रहे हैं इसी मेजरमेंट से बनाइएगा, बहुत अच्छे फ्लफी आपके ताल के वड़े बनेंगे। क्योंकि लोग ना ये देते हैं, क्या बोलते हैं, मैदा देते हैं, चावल का आटा यूज़ करते हैं और उससे वो सख्त सख्त बन जाते हैं और अंदर भी बहुत सख्त सख्त रहते हैं, फ्लफी नहीं होते। तो ये, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर 6 टेबल स्पून मैंने बड़े जो 6 टेबल स्पून है वो आटा दिया है, तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून मैंने 1/2 उसकी सूजी ले ली है। और यहाँ पे जो आप स्पून देख रहे हैं जिससे मैंने आटा लिया था, वही स्पून से 3 बड़े चम्मच मैंने चीनी ले लिए है। तो बस 3-4 चम्मच मैंने चीनी ले लिया है। मीठा आपके ताल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा ताल का आपका कैसा ये है। और फिर पूरा मिक्सचर को जब आप मिक्स करेंगे तब देखेंगे कि थोड़ा मिक्सचर अगर आपका टाइट लग रहा है तो आप थोड़ा सा मेरी तरह पानी डाल दीजिएगा। और यहाँ से मम्मी ने भी थोड़ा सा साइड में से उठा के देख लिया है कि चीनी वीनी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि बाद में अगर चीनी वीनी कम हो ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले से यहाँ पे चीनी वीनी एकदम सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो मम्मी ने और थोड़ी सी 1/2 स्पून चीनी डाल दी है इसमें। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आटा देने का मतलब ये है कि वो बहुत ही फ्लफी बनेगा, मैदा देने से भी अच्छा। और मैदा खाना तो अच्छा है नहीं, तो इससे अच्छा आप आटा ही दीजिए तो और अच्छा आपका हेल्दी है कि ये बनेगा। तो यहाँ पे मैंने आटा दे दिया है,
सूजी दे दिया है, केला दे दिया है, नारियल दे दिया है, इन सब चीज़ों से क्या होगा, सूजी देने से ऊपर का क्रस्ट रहेगा अच्छा और अंदर से वो बहुत फ्लफी भी बनेगा। और अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सोडा, जो हमारा बेकिंग सोडा है वो। बेकिंग सोडा यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सोडा देकर उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, और मिक्स करके अब इसे हम अराउंड 20-25 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इससे वड़े बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने तेल भी चढ़ा दिया है कढ़ाई में। तो अभी अब हम इसमें वड़े बनाना शुरू करेंगे। बस थोड़ा टाइम तेल गर्म हो जाए तब तक के लिए रुके हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम वड़े डालना शुरू करेंगे। और आप देखेंगे कि आपके वड़े अच्छे बने हैं वो किस तरह से आपको पता लगेगा। जैसे ही मैं तेल में छोड़ रही हूँ तो वो नीचे चले गए हैं, ये अपने आप उठ के ऊपर आ जाएंगे फूलते हुए। तो इसका मतलब आपके वड़े एकदम अच्छे बने हैं, प्लस तेल नहीं सोख रहे हैं और बहुत ही फ्लफी, बहुत ही अच्छे, मुलायम, नरम अंदर से ऐसे वड़े बनेंगे इतने अच्छे। तो यही है इसकी पहचान कि आप जैसे ही वड़े छोड़ रहे हो वो मैंने तेल में अपने आप ही ऊपर उठ के आ जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि आपके वड़े बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैं साइड साइड में वड़े छोड़ रही हूँ, और बाकी जो वड़े हैं जो मैंने पहले छोड़े थे वो ऊपर उठ के आके फूल रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े साइज़ के आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, छोटे छोटे साइज़ के छोड़िएगा जिससे वड़े बहुत अच्छे दिखे और गोल गोल बन के उठे अच्छे से। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े साइज़ देने से बहुत बड़े बड़े ऐसे फूल जाते हैं और अच्छे भी नहीं लगते दिखने में। तो यहाँ पे वड़े का एकदम मीडियम फ्लेम में हो रहे हैं, हम इसे ऊपर नीचे कर लेते हैं क्योंकि नीचे का साइड हो गया है, अब ऊपर की साइड भी हम कर लेते हैं इसे अच्छे से तलने देते हुए। और एक दूसरे को चिपक भी नहीं रहे, ये भी आप देखिए एक दूसरे से एकदम भी नहीं चिपक रहे हैं, एकदम अलग अलग छुट्टे छुट्टे बने हैं। तो बस यहाँ पे ताल के वड़े और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ जाए तब तक हमें तलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, और अब मैं निकाल लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर काला कलर करेंगे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने वो जो पेपर रैप है यूनी रैप का वो ले लिया है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत तेल होगा वो भी वो सोख लेता है। तो बस ये हो आ गया यहाँ पे, मैंने अच्छे से हमने जितने वड़े थे हमारे वो मैं तल लूँगी, और पहला बैच अच्छे से हो गया है, अब हम दूसरा बैच भी डाल देंगे। फर्स्ट वाला कंप्लीट, और देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, और खाने में भी उतने ही टेस्टी बने हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।